आइए मित्रों, मैं अशोक जोशी आपको हैदराबाद के निजाम की छोटी सी कहानी सुनाता हूं जो बहुत कम शब्दों में रहेंगी। दिनांक 12 दिसंबर सन 1971 में भारत के राजे रजवाड़े निजाम नवाबों के प्रिवी पर्स बंद करने का कानून बनाया गया और सन 1947 में आज़ादी देते वक्त अंग्रेजों ने सुपर डाव मारते राजे रजवाड़े को उनके खालसा राज्य पुनः वापस देने की पेशकश की, जो राज्य अंग्रेजों ने अनेक हिकमत से उनसे प्राप्त किए थे, किंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ से राजे रजवाड़ों का भारत में विलीनीकरण हुआ। लेकिन बंटवारे की त्रासदी झेलते पाकिस्तान तो देना ही पड़ा। गनीमत है पूर्व पाकिस्तान का रास्ता भारत में से देने की योजना खारिज कर दी गई। भारत सरकार ने केवल 24 या 25 सालों में राजे रजवाड़े निजाम नवाबों के प्रीपर्स तो समाप्त कर दिए, लेकिन अपनी मंत्री संतरी खासदार आमदार इनके भरमसाठ भत्ते पेंशन सुख सुविधाएं बढ़ा दी गई। इसे कहते हैं सैया भय कोतवाल फिर डर काहे का। खैर, अपने असल मुद्दे पर आता हूं। अमूमन दिनांक 14 जनवरी 2023 में हैदराबाद के निजाम के वंशज मुकर्रम जहां उम्र के 89वें पड़ाव पर इस्तांबुल में खुदा को प्यारे हो गए। उनका जन्म सन 1933 में हैदराबाद में हुआ था। निधन के पश्चात उन्हें चौ मोहल्ला में दफनाया गया। वे भारत में विलय से पूर्व 8वें और अंतिम निजाम घोषित किए गए थे। दिनांक 21 सितंबर 1687 को औरंगजेब ने बादशाह अब्दुल हसन से गोलकुंडा का किला जीता और टनों सोना चांदी मोती हीरे लूट में प्राप्त किए। लेकिन इस सब के बावजूद अपना प्यारा सरदार ख्वाजा आबिद इन्होंने खो दिया। उसके 6 वर्ष के पुत्र कमरुद्दीन पर स्नेह लुटाते औरंगजेब ने उसे अपने साथ रखा और उसे सत्ता संभालने लायक बनाया। केवल 13 वर्ष की उम्र में उसने युद्ध कौशल से औरंगजेब का दिल जीत लिया। 3 मार्च 1707 को अहमदनगर के पास औरंगजेब का निधन हुआ और उसके पश्चात उसके गादी के 17 दावेदार हुकूमत पर कब्जा करने तैयार हो गए। उस वक्त कमरुद्दीन दक्षिण भारत की कमान और खजाना संभाले हुए था। सो अवसर का लाभ प्राप्त करते ही उसने सन 1724 में अपने आप को निजाम उल मुल्क घोषित करते सर मुख्तियार शाही प्राप्त की और पश्चात गोलकुंडा से 4 मीनार वाले भाग्यनगर को हैदराबाद का नाम देते अपनी निजामत घोषित की। उनकी पीढ़ी के अंतिम निजाम मुकर्रम जहां 6/4/1937 को 8वें और अंतिम निजाम घोषित हुए थे और 7वें निजाम के मृत्यु पश्चात भारत सरकार ने लगाई डेथ ड्यूटी में बहुत सारी रकम उन्हें भरनी पड़ी और मुकर्रम जहां के आश्रितों ने संपत्ति के लिए अनेक केसेस उन पर दाखिल कर दिए। इन सब त्रासदियों को झेलते द लास्ट निजाम मुकर्रम जहां ने भारत छोड़कर विदेश में वास किया, जहां उनका 14 जनवरी 2023 को निधन हुआ। अब उनके पश्चात 9वें निजाम अजमत जहां बनेंगे। इसीलिए कहा जाता है ना, न राजा रहा है न रानी रहेगी, ये दुनिया है फानी और फानी रहेंगी,
ये माटी सभी की कहानी कहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी।